नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये जो आलू है दोस्तों, जो हमारे वेस्टेज आलू हैं, उसको हम दोस्तों किस प्रकार ग्रो करें। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे कुछ पुराने आलू हैं, जिससे कि ये दोस्तों ये अंकुरित इसमें शुरू हो गए हैं दोस्तों ये। और दोस्तों, हम ये कुछ आलू फेंक देते हैं, इनको फेंकने की आप फेंकें ना दोस्तों, इनको आप आलू से आलू ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसको आपको बताते हैं इसको किस प्रकार इसको ग्रो किया जाता है। दोस्तों ग्रो करने के लिए आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये टिप को आप दोस्तों काट लें। और दोस्तों, आपका ये जो आलू बचेगा, आप इसको किचन में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, हम पूरे इस टिप को हम काट लेते हैं, पूरे टिप को। चलिए दोस्तों, हमने ये काट लिया है। जो हमें दोस्तों ये काटे हुआ हिस्सा है, इसको हम दोस्तों ग्रो करेंगे। और बाकी के जो बचे हुए हैं दोस्तों, इसको हम किचन में इसको यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इनको हम पॉट में लगाते हैं। दोस्तों, इस पॉट में हम आलू ग्रो करेंगे। और दोस्तों, इसके लिए जो हमने मिट्टी ली हुई है, इसमें हमने 50% हमारे जो गार्डन सॉइल होती है दोस्तों वो, और 30% हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट और 20% कोकोपीट मिलाया हुआ है दोस्तों। और आप देख रहे हैं दोस्तों, अच्छी भुरभुरी ये मिट्टी है। अब चलिए दोस्तों, इनको हम लगा लेते हैं। अब सिंपली दोस्तों इस प्रकार इसमें गड़ा दें। ये दोस्तों हमने लगा दिए हैं इसमें आलू। और इसके बाद दोस्तों, आप इसमें पानी दे दें। और पानी देने के बाद दोस्तों, इसको कुछ दिन आप धूप में ना रखें दोस्तों। अगर आप धूप में रखेंगे दोस्तों, ये छोटे छोटे अंकुरित हैं, ये ख़राब हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसका हम अपडेट देखते हैं। दोस्तों, इस पॉट में जो हमने अपने वेस्ट आलू में से दोस्तों जो कटिंग करके जो आलू लगाए हुए थे, और उनकी दोस्तों आप देख रहे हैं, ये आलू के पौधे बन के तैयार हो गए हैं दोस्तों। इस छोटे से पॉट में हमने लगाए हुए थे दोस्तों आलू, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पॉट, इस पॉट में हमने आलू लगाए हुए थे। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी आलू ग्रो होना शुरू हो गए हैं दोस्तों ये। तो दोस्तों, इसको लगभग अभी और समय लगेगा इसको ग्रो होने में, और अभी हमको और वेट करना पड़ेगा कि ये आलू बन के कितने समय तक तैयार होते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार आप भी कटिंग से आलू ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।